आप सब कोई ऐसा ही सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो ये मैं मुकुंदपुर और गोविंदगढ़ घूमने जा रहा हूँ और मैं कई जगह की यात्रा की हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में पूरा देखें वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर करें। चित्रकूट घूम के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं मुकुंदपुर घूमने और उसके पहले जाएंगे गोविंदगढ़ घूमने। तो ये हमारी पूरी टीम पेट्रोल डलवा रही है, भाई लोग तेल डलवा रहे हैं और डलवा दे हमारी गाड़ी डलवा रही है दोपहर तक में डलवा दे आगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉगिंग में और हम आ चुके हैं गोविंदगढ़ और अभी हम खंडो घूम के आए हैं और खंडो का नजारा देखने और अब हम आ चुके हैं यहाँ गोविंदगढ़ तालाब। तो देख सकते हैं गोविंदगढ़ तालाब और ये हमारे राम भैया और ये फोटो खिंचा रहे हैं और ये हमारे साथ सुपर भाई आए। आइए भाई। हाय गाइस। और ये हमारे रीवा के भाई, भाई तेरा चेहरा तो दिखा उधर, कैसी हो? ये देखो। तो और ये हमारी टीम उधर उपस्थित है और हम यहाँ शूट के लिए आए हैं, फिल्म शूट के लिए। तो चलते हैं, ये देख सकते हैं फिल्म शूटिंग चालू है हमारी और इसके बाद दिखाते हैं आप सभी को और आगे का लोकेशन। तो ये था गोविंदगढ़ तालाब और ये फोटो खिंचाने का सेल्फी पॉइंट। तो ये था नजारा। तो चलते हैं, इसके बाद हम और कुछ जगह घूमेंगे। तो और अभी जाएंगे हम मुकुंदपुर, तो चलिए दिखाते हैं मुकुंदपुर का कुछ नजारा। तो दोस्तों हम फिल्म शूटिंग के लिए अपने कुछ लोकेशन देखने आए हैं। तो ये देखिए थोड़ा लोकेशन, आप लोग भी देख लीजिए। तो ये गन्ने का पूरा खेत है, गन्ना ही गन्ना है, यहीं होगा हम लोग की फिल्म शूटिंग। दोस्तों ये मुकुंदपुर आ चुके हैं, ये देखो मुकुंदपुर का झंडा। आप चलेंगे चिड़ियाघर घूमने। तो दोस्तों बाइक सफारी पहुंच चुके हैं मुकुंदपुर और ये हमारी पूरी गैंग आ चुकी है। तो चलते हैं अंदर घूमने। हमारे मित्र हमारे गैंग चल दिए हैं घूमने, तो चलते हैं अंदर आगे घुमाते हैं आगे क्या है। आए हुए हैं ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वाइट सफारी। कैसा लगा बच्चों घूम के? अच्छा लगा। कैसा लगा भाई घूम के? अच्छा लगा। कैसा लगा जी? तो दोस्तों हम ये पहुंच चुके हैं वाइल्ड सफारी टाइगर, अब जाएंगे इसके अंदर जिसको बोलता है चिड़ियाघर। दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा है यार, गेट कितना वीआईपी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और यहाँ गार्डन कितना प्यारा है। तो चलते हैं कुछ अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या है। टिकट कटा चुके हैं, इसके बाद ये अंदर जाएंगे और यहाँ मैम बता रही है कि कोई भी अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है
और बैग हमारा खा दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अंदर, ये हमारी गैंग चल दी अंदर गाइस अंदर, दिखाते हैं क्या आगे क्या है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है, और यहाँ आप सभी को एक चीज और दिखाते हैं, ये शेरों का शेर, ये व्हाइट टाइगर, इसीलिए इसको व्हाइट टाइगर बोलते हैं। ये देखो चारों तरफ व्हाइट व्हाइट टाइगर हैं, ये देखो ये सारे व्हाइट टाइगर ही है, ये सारे व्हाइट टाइगर। हाँ दिखाओ नहीं भाई, ये देख सकते हैं ऊपर से देख रहा है व्हाइट टाइगर, और एक ये व्हाइट टाइगर। तो टाइगर जी कैसे हैं, टाइगर बोलते नहीं है भाई। तो ये देख सकते हैं रंग आगे, ये जंगल है पूरा, और ये झरना किया खूबसूरत है भाई, भाई टाइगर है। हाँ ला भाई टाइगर है, हाँ हाँ भाई टाइगर, कैसे इतने सभी व्हाइट टाइगर हैं। तो चलते इसके बाद और आगे दिखाते हैं क्या कैसा है अंदर, घुमाते हैं अपनी विंध बघेलखंड का मशहूर रीवा जिले का, विंध बघेलखंड का मशहूर रीवा जिले का व्हाइट टाइगर ये रहा है आप सबके सामने। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप सभी को। दोस्तों ये देख सकते हैं और क्या खूबसूरत ये बना हुआ है, और ये देख ये क्या खूबसूरती है यार। ये हमारे गैंग जो है तो आगे आगे मछुआ रहे हैं भाई, ये तीन रास्ता है कहाँ का यही कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हमारे गैंग इधर जा रहे हैं तो हम भी इधर जाएंगे। अरे ये गाड़ी खड़ी भाई, हमें घूमे खुते हैं, मैं घूमे जरूर, हम ही वाली गाड़ी में घूमूंगा। सबसे खूबसूरत हमको लगा यहाँ का गार्डन ये लगा, यहाँ का मजा आ रहा है जंगल। तो दोस्तों हम इसके अंदर जाएंगे, अब देखते हैं इसके अंदर है क्या ऐसा, बोला जाता है कि शेरों का शेर बैठा हुआ है अंदर, तो चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सभी का बाप बैठा हुआ है, ये तो देख सकते हैं सभी का बाप बैठा हुआ है, ये देखो ये मैं फाड़ता है भाई, मार पड़ रही सभी का, सब पहुंच जाता है बड़ा बड़ा हड्डी सब इनका पहुंचावा जाता है। देखे भाई ये डांस कर रहा है, तो आगे और अंदर चलते क्या है। तो भैया ये शेर क्या क्या करता है, शेर घूमता है फिरता है, लोगों को नजारा दिखाता है, डांस करता है कि नहीं, डांस नहीं करता भाई, क्या बोल लेता है। ये खाता क्या क्या है, आता है मीट मांस दे जाता है, मांस हो जाता है, किसका किसका मांस जाता है, बकरी का, अच्छा लड़ाई में अंदर जाते हैं है ना, मान लही के इनका भेद देगी अगर अंदर इनका तो क्या है, गलती से चला जाए तो मान ली हम अभी दे दोस्ती करे जाए अंदर तक कैसा न हो, चलिए दोस्ती करोगे तो फिर उससे हाथ नहीं मिला सकते हैं, नहीं तो चलते हुए अंदर कहा आएगा कहा साथी, अबे मिले क्या आई थी तो उससे, हेलो भाई भाटी को रहना, ये चल दिया भाई, ये देखो ये डांस कर रहा है अविनाश तिवारी है ना, ये देख सकते हैं आप सभी कोई कैसे डांस कर रहा है, ये देखो ये देख, तो चलते हम भी देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं शेर और शेर चीता, ये देख सकते हैं बच्चे कैसे घूम रहे हैं। चलते हैं आगे और दिखाते हैं का नजारा,
अंदर डाले हुए हैं। ये कितना बड़ा रेलिंग वगैरह लगा है। तो सुनते हैं आगे। तो दोस्तों ये भालू ये देख सकते हैं, दोस्तों ये भालू घूम रहा है और अंदर ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलते हैं और आगे अंदर। ये हमारी पूरी टीम घूम रही है और इधर भैया लोग इंजॉय कर रहे हैं। क्या है भाई? अच्छा, ये भालू के बच्चे उधर रुके हैं दोस्तों, सो रहे हैं। वो देखिए गेट के पास सो रहे हैं। तो चलते हैं और आगे। पर कितना खूबसूरत बना हुआ है, देख के लग रहा है। ये भी कितना खूबसूरत बना है। तो ये टोटल इधर जंगल दिख रहा है। ये कौन सा से अंदर है? हाँ, वो पानी गिर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं अंदर के लिए। और ये सो रहा है अभी। तो चलते आगे घूमने। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये झांक रहा है, ये देख रहा है, ये चल दिया, किधर जाएगा देखते हैं। ये आया, ये वो जा रहा है, ये देखो। तो चलते हैं आगे। तो इसमें सीवर घुसा हुआ है पर दिख नहीं रहा है। इसमें क्या है, देख रहे हैं अंदर ही तो है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये सीवेट है, एक सो रहा है एक उधर खड़ा हुआ है। और बाकी ये बैठे तो वहाँ टीम भगी जा रहा है। ये तो हम जा इधर भी जंगल, ये जानवर इधर है, हिरण है। और ये देख सकते हैं इधर तो सो रहे हैं। चलते आगे। दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें 12 सिंह हैं। 12 सिंह भैया हुआ है, 12 खिलाफ भैया हुआ है। क्या ही कहो, बहुत बड़े बड़े हैं, पहले लागे आराम से। तो चलो तो कुछ आगे देखी थे, तो कुछ फोटो खींचा आते हैं। मेमोरिया जैसा है अड्डा, अरे ये मेमोरिया जैसा भी मोबाइल की फोटो खींचाते हैं। हैं 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 चलते आगे। दाई के बोलते हैं वही दाई। आई गए तो ये मौसी अविनाश तिवारी का वीडियो बन रहा था। दोस्तों कृपया आप लोग बताइए ये कौन जानवर है, कौन से जानवर है? बताइए ये कौन से जानवर है, पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए। हम चलते आगे घूमने। हम लोग घूमते घूमते थक चुके हैं और ये हमारे दोस्त मिल चुके हैं। तो कैसे दोस्त, कैसे लगा आपको घूम के? बहु मस्त, अच्छा यहाँ लग रहा है। अरे और बघेली तो बहुत बढ़िया बोलते हो।
खैर आई बैठे चलते आगे सर, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ यहाँ पर चलते हैं फिर और आप सभी को आगे दिखाते हैं क्या है यहाँ का लोकेशन और कितने खूबसूरत जंगली जानवर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, बने रहिए ऐसे हमारे ब्लॉग में और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। की भाई हाँ सबका मतलब जो जाते होंगे जिसको पहचान पा हुए दिल लागत का आवाज डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तो दोस्तों ये भालू डल बस कर।